नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो टेस्ट भेजा गया है इंग्लिश विषय का, वो ये है, लिखित में है तो दो है, एक तो इंग्लिश का है और एक शायद सामाजिक का भी पेन से लिखा हुआ बनाया हुआ है, तो प्रिंट नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम फटाफट हल करते हैं। हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूले। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा कितने प्रश्न पूछे गए थे। 2, 3, 1, 4, यानी 1, 2, 3, 4 में 3 प्रश्न पूछे गए, तो 3 किस ऑप्शन में है, बी में है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 2, हु हेल्पड द किंग टू गेट द राइट क्वेश्चन, सही प्रश्न के लिए राजा की किसने सहायता की, डॉक्टर ने, मेजिसिन ने, हर्मिट ने, बॉडीगार्ड ने, तो किसने की थी, हर्मिट ने की थी, सन्यासी ने की थी, तो आपका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 3, हु वाज द वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति कौन था, किंग, वाइज मैन, एनिमी पीपल, राजा, बुद्धिमान व्यक्ति, दुश्मन और लॉग, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर है वो दुश्मन था सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरगिव, फॉरगिव शब्द का मीनिंग क्या है, फॉरगिव होता है माफ करना, तो पार्डन, रिटर्न, प्रॉमिस, लॉयल, तो पार्डन माने होता है माफ करना, रिटर्न लौटना, प्रॉमिस लॉयल होता है, तो आपके चौथे का उत्तर हो गया ए। चौथे का उत्तर क्या हो गया, ए, फॉरगिव माने क्षमा करना, पार्डन माने क्षमा करना होता है। प्रश्न नंबर 5, हु ब्रॉट मिल्क फॉर द वांटेड मैन, उस घायल व्यक्ति के लिए दूध कौन लेके आया था, वाइज मैन, मेजिशियन, किंग, हर्मिट, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, उस व्यक्ति के लिए दूध लेके आया था किंग, राजा लेके आया था सी, तो पांचवें का उत्तर हो गया सी। प्रश्न नंबर 6, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग ग्रोविंग गर्ल, यानी उस छोटी बच्ची का क्या नाम था, मीना, मृदु, टाफी और रूपू, तो प्यारे विद्यार्थियों छठे प्रश्न में उस बच्ची का नाम है मृदु, यानी बी होगा आपका, छठे का उत्तर क्या होगा, बी। प्रश्न नंबर 7, द क्लियर मार्क ऑन स्लीपर वाज ऑफ द, ये किसके, फिंगर के, टो के, हैंड के और लेग के, तो सातवें प्रश्न का उत्तर है आपका टो, अंगूठे के, तो बी हो गया, सातवें का उत्तर क्या हो गया, बी। आगे देखो प्रश्न नंबर 8 और 9, द म्यूजिक मास्टर वाज एक्सपर्ट ऑफ, तबला, ड्रम, ढोल, वायलिन, म्यूजिक मास्टर क्या बजाने में सफल था, एक्सपर्ट था, अनुभवी था, तो प्यारे विद्यार्थियों वो वायलिन बजाने में एक्सपर्ट था, तो आपका उत्तर हो गया डी, वायलिन। प्रश्न नंबर 9, हु स्लीपर वर गिवन टू द बेगर्स बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा किसकी जो चंपलें थी वो भिखारी को दी गई थी, म्यूजिक मास्टर, मामा, चाइल्ड, रवि, किसकी दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों, म्यूजिक मास्टर की दी गई थी, 9वें का उत्तर हो गया ए। प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 आ गया है, और प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 है, हु वाज सो काइंड एंड जेनरस टू द बेगर, यानी भिखारी के प्रति कौन विनम्र था, दयालु था, लाली, म्यूजिक मास्टर, लेडीज ऑफ द हाउस या मीना, तो 10वें प्रश्न का उत्तर है आपका लेडीज ऑफ द हाउस, यानी सी, 10वें का उत्तर क्या आएगा, सी। प्रश्न नंबर 11, हु इज द राइटर ऑफ द पोइम द रेबल, रेबल कविता का कवि कौन है, मिल्ड्रेड बॉर्ज, डीजे इनोय, लियो टॉल्स्टॉय, रॉयजन, तो प्यारे विद्यार्थियों 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डीजे नोट, क्या है ये, तो आपका उत्तर हो गया ये बी, 11 का उत्तर क्या है, बी। प्रश्न नंबर 12, हुज फेस वाज हाफ सेवन, किसका चेहरा आधी दाढ़ी किया हुआ था, गोपाल का, कोर्टियर का, फिशरमैन का और किंग का, तो प्यारे विद्यार्थियों जो हाफ दाढ़ी वाला चेहरा था वो गोपाल का था, तो 12 का उत्तर हो जाए ए, 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, Why was everyone talking about the Hilsa fish? Hilsa fish के बारे में सारे बातें क्यों कर रहे थे, Because क्योंकि Hilsa fish was big, बड़ी है, King liked Hilsa fish, राजा Hilsa fish को पसंद करता है, Hilsa fish was beautiful, बहुत ही सुंदर है, It was season of Hilsa fish, ये उसका सीजन है, तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है सीजन डी, It was season of Hilsa fish, यानी उसके सीजन है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 यानी 13 नंबर प्रश्न का डी हो ही गया। प्रश्न नंबर 14, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी, यर इज आई रेफर, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, यहाँ आई कौन है, किंग, गोपाल, वाइफ या हिल्सा फिश, तो 14 नंबर का उत्तर आपका गोपाल,
14 आपका बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15, वो स्टॉपड गोपाल आउटसाइड द पैलेस, महल के बाहर गोपाल को किसने छोड़ा, गार्ड्स ने, फिशरमैन ने, किंग ने, कोर्टियर्स ने। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका गार्ड्स ने, ए। 15 का उत्तर क्या होगा, ए। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग ऑफ द राइस फार्मर, यानी उस कुत्ते का क्या नाम था। तो प्यारे विद्यार्थियों मूको नाम था, एम यू के मूको, बी। प्रश्न नंबर 17, हु वाज द ओनर ऑफ द डॉग, डॉग का मालिक कौन था। प्यारे विद्यार्थियों डॉग का मालिक था राइस फार्मर, बी। प्रश्न नंबर 18, हु इज द रेबल, रेबल कौन था। तो 18 का उत्तर सी, हु ऑलवेज डिसग्री, यानी सी है, 18 का सी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 और 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में, ही नीड्स समथिंग ऑन द फिट, वो सेड दिस, ये किसने कहा था, मीना ने कहा था। तो 19 का ए हो गया। वो इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, इस गिफ्ट ऑफ चप्पल का राइटर कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइटर है वसंत सूर्या, तो आपका बी उत्तर हो गया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अगली टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।